दोस्तों, चाय तो आप रोज़ पीते हो और अपने घर की बढ़िया वाली चाय पीते होंगे, और सर्दियों में जितनी बार चाय दी जाए उतनी ही कम लगती है। तो आज मैं आपके साथ बिल्कुल मसालेदार, सर्दियों में गर्माहट देने वाली बहुत ही टेस्टी चाय शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज मेरी वाली चाय भी देख लेते हैं कैसी बनी है। और चाय बनाने के लिए हमें लेना है सबसे पहले बर्तन यानी पतीला, और इसके अंदर ऐड कर देना है हमें 2 कप पानी। मेजरमेंट से बताऊं तो 2 लोगों के लिए चाय बनानी है तो 2 कप पानी ले लेना है और इसे हमें उबलने देना है। और जब तक हमारा पानी उबल रहा है तो हम मसाले की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ हम ले लेते हैं इमाम दस्ता, और इसके अंदर डाल देंगे 2 इलायची, 2 लौंग, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, और इसे हमें कूट लेना है। मसाले को हमें बहुत ही अच्छे से कूटना है, दरदरा तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। और अभी आप देख सकते हो कि मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। ये देखिए, बिल्कुल बारीक कूटा है। तो चलिए दोस्तों, जो हमने पानी उबलने के लिए रखा था उसे चेक कर लेते हैं। तो पानी हमारा काफ़ी ज़्यादा उबलना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे कूटा हुआ मसाला, और इसे हमें कम से कम 2 मिनट तक अच्छे से बॉईल होने देना है। और आप देख रहे हो दोस्तों, पानी के अंदर मसाले का फ्लेवर पूरी तरह से आ गया है। ये देखिए, पानी का कितना कलर चेंज हुआ है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच चाय, या हम 2 कप चाय का मेजरमेंट रखे हैं तो 2 चम्मच चाय डालनी है। और ये देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने चाय डाली है तो चाय का रिएक्शन देखा आपने, तो यहाँ एकदम कड़कदार चाय बनने वाली है। और इसे हमें कम से कम 2 मिनट तक उबलने देना है, जब तक कि चाय पत्ती का फ्लेवर पूरी तरह से पानी के अंदर ना आ जाए। और अभी आप देख रहे हो दोस्तों कि चाय का फ्लेवर एकदम चॉकलेटी दिखने लगा है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप दूध, और इसे हमें अच्छे से उबाल लेना है जब तक कि ये बिल्कुल कड़क ना हो जाए। कम से कम 3 से 4 मिनट तक उबालना है। और जैसे ही चाय उबलना शुरू होती है हमें गैस की फ्लेम मीडियम कर देनी है, और मीडियम फ्लेम पे हमें इसे उबालना है। दोस्तों, आपके साथ मैं ये बात पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और अभी भी बता रही हूँ कि हमें यहाँ 2 कप चाय बनानी है, तो इसमें 2 कप पानी डालेंगे और 1 कप दूध, जिसमें से 1 कप पानी ऐसे ही भाप बनकर निकल जाएगा। और जैसे ही चाय में उबाला आने लग जाए तो इसे हमें करछी से अच्छे से रोटेट कर लेना है, इससे चाय का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। और इसे हमें अच्छे से रोटेट कर लेना है, अच्छे से फेंट लेना है। और ये देखिए दोस्तों, चाय का कलर एकदम चेंज हो गया है, बिल्कुल कड़क चाय बनना शुरू हो गई है। और अब समय आता है चीनी डालने का। तो चीनी हमने यहाँ 1 बड़ा चम्मच डाली है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, और कम से कम 1 मिनट के लिए उबलने देना है, जिससे कि चीनी गल न जाए, क्योंकि चाय तो हमारी रेडी हो चुकी है लेकिन चीनी का गलना भी बहुत ही ज़रूरी है। 1 मिनट के बाद अभी आप देख रहे हो कि चाय हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे छान लेते हैं। और अभी आप देख रहे हो कि इसका कलर कितना बढ़िया आया है और एकदम कड़क बनी है, बिल्कुल मूड फ्रेश करने वाली चाय बनी है। और मेजरमेंट बताऊं तो बिल्कुल परफेक्ट बैठा है 2 कप का, ये देखिए। और सर्दियों में दोस्तों गर्मा गर्म और कड़क चाय मिल जाए तो मज़ा आ जाए, और ये सर्दी जुकाम में भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। छींके आना, नाक से पानी बहना, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ये गुणकारी है। तो आप भी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आज की ये कड़क मसालेदार और गर्मा गर्म चाय। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।